प्रदेश में आम आदमी पार्टी जहां मतदाताओं के लिए तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं पूर्व सांसद एवं हिमाचल रीजनल अलायंस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने भी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि आम आदमी पार्टी और HRA का प्रदेश से कांग्रेस और भाजपा को हटाने का एक ही लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और लक्ष्य जरूर पूरा किया जाएगा। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का एक छत्र राज था और इन दोनों कंपनियों द्वारा सरकार बनाने के लिए टेंडर भरा जाता था, लेकिन इस बार टेंडर खारिज हो चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां ब्लैक लिस्ट हो चुकी है और प्रदेश से धक्का मार कर बाहर निकाल दी जाएंगी। आज हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे किन्नौर हो चाहे लाहौल स्पीति हो। चीन काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है और ऐसी हालात में जबकि विश्व स्तर पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और हमारे यहाँ भी खतरा है, तो हम उम्मीद करते थे कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने 63,000 करोड़ रुपये का कट लगाया है, कटौती लगाई है, और रक्षा समिति जो है सांसदों की, उसने चिंता जताई है आधुनिक हथियार कैसे खरीदेंगे और खतरे से कैसे मुकाबला करेंगे। इस कटौती के लिए मैं HRA की ओर से निंदा करता हूं भारत सरकार की और मांग करता हूं कि तुरंत ये जो कटौती है इसको ख़त्म करके कम से कम 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा बजट बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर एक साल से ज़्यादा हो गया है मैंने इनके लिए धरना लगाया है फतेहपुर के अंदर, और 5 अगस्त 2020 से मैंने अपने MLA की पेंशन भी छोड़ दी है और MP की पेंशन भी छोड़ी है। हिमाचल में एक भी कोई भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक किसी पार्टी का नहीं है जिसने ये हिम्मत दिखाई हो, और साथ में हमने संकल्प लिया जब तक इन 1.5 लाख NPS कर्मचारियों को पेंशन बहाल नहीं होगी ना तो हम पेंशन लेंगे और ना ही अपना संघर्ष छोड़ेंगे, और निश्चित तौर पर OPS बहाल करके ही चैन लेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।